हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि मार्च के मंथ में उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो आप किसी भी पर्सन के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। मैं उसी पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए जो इस वक्त आपके दिमाग में है ये वीडियो देखते वक्त। सो इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, क्यों फील करता है एंड क्यों हेजिटेट कर रहा है, कौन सी बात इन्हें रोकती है, कौन सी चीज इन्हें आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर करने दे रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ चैलिसेस, The wheel of the year, eight of chalices, and six of wands. Okay, तो हमारे पास है five of chalices. I think आप किसी ऐसे person से deal कर रहे हैं जो पछता रहा है किसी बात को लेके. Okay, so maybe आपका ex हो सकता है जिसे लगता है कि उनसे एक गलती हुई है और उस गलती को ठीक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, उस गलती को वो वापस जाकर फिर से फिक्स नहीं कर सकते और इसकी वजह से ये रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकता। ऑल्सो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे लगता है कि उन्होंने आपको जाने दिया, मतलब ये हमेशा आपके एक अच्छे फ्रेंड बन के रह गए, हेजिटेशन के कारण अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाए और अब उन्हें लगता है कि वो आपको लूज कर चुके हैं और अब आप मूव ऑन कर चुके हैं या उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बस आपको वेट ही करवाते रहे। आप इस तरह की स्लो मूविंग एनर्जी के साथ नहीं रहना चाहेंगे, स्लो डिसीजन मेकिंग पर्सन के साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि आप परेशान हो चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत वेट करके देख चुके हैं एंड अब आप उन्हें एक और मौका नहीं देंगे। इस बात को लेकर ये पर्सन रिग्रेट कर रहा हो सकता है। हो सकता है ये एक कमिटेड पर्सन भी हो जो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और अब रिग्रेट कर रहा है कि उन्होंने कुछ और इंतजार क्यों नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ और इंतजार किया होता तो शायद वो आपसे मिलते एंड आज आप उनके लवर होते। सो ये कोई कमिटेड पर्सन या मैरिड पर्सन हो सकता है जिसका आप पे क्रश है और ये पर्सन सोच रहा है कि काश उन्होंने वो नहीं किया होता जो उन्होंने किया है। या मे बी इस पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि आप ऑलरेडी दूसरों का अटेंशन एंजॉय करने लगे हैं, जो अटेंशन उन्हें देना चाहिए था आपको वो नहीं दे पाए समय पे और अब उन्हें लग रहा है जैसे कि आपके पास अटेंशन की कोई कमी नहीं है। ओके, आप चाहते तो पहले ही इस अटेंशन को पा सकते थे। इस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है जैसे कि आप बहुत एडमायर्ड हैं, आप बहुत लवेबल हैं और लोग आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हर कोई आपके जैसा लवर चाहेगा एंड ये होने के बावजूद भी, इतना अटेंशन मिलने के बावजूद भी, इतना ज्यादा डिजायरेबल होने के बावजूद भी आप उनके कुछ कहने का वेट करते रहे, आप उन्हें ये मौका देते रहे कि वो आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप को ठीक करें या फिर अगला स्टेप लें, बट वो कुछ भी नहीं कर पाए एंड अब इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि बहुत देर हो चुकी है। ऑल्सो हमारे पास द व्हील ऑफ द ईयर है तो इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि उनके लाइफ में कभी कोई चीज सही वक्त पे होती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जब भी उन्हें कोई चीज मिली है जो उन्हें चाहिए थी तो वो हमेशा गलत वक्त पे मिली है और ये पर्सन खुद को भी थोड़ा सा ब्लेम कर रहा है। उन्हें पता है कि उनका इनडिसाइसिवनेस ही आज उन्हें इस पॉइंट तक ले आया है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था जब वक्त था, उन्होंने सिर्फ आपको वेट करवाया। ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं इस वक्त। ये पर्सन उन लोगों में से है जो ऐसी चीजों को पसंद करता है जो दूसरों को भी पसंद हो, उन्हें इससे किसी तरीके का वैलिडेशन मिलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास वो है जो सबको चाहिए, उनके पास कुछ प्रीशियस है और जैसे उन्होंने कुछ अचीव कर लिया हो। सो इस प्रस्पेक्टिव से देखा जाए तो भी ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव पाता है। उन्हें लगता है कि आपको अचीव करना मतलब कुछ अचीव करना लाइफ में,
बट एट ऑफ चैलेंसेस के साथ उस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि वो कितने क्लोज आ गए थे आपके और कितना कुछ पॉसिबल था उनके लिए. एट ऑफ कप्स वहां पे ऑलरेडी थे, उन्हें बस टू ऑफ कप्स ही ऑफर करना था और वो भी नहीं कर पाए. इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है और अब ये पर्सन सोच रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करें, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि समय उनके हाथ से निकल गया है और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने किस्मत के भरोसे ही चल सकते हैं. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए. मैसेजेस फॉर Gemini. Queen of Chalices, Three of Wands, Lord of Shadows, Nature, and Five of Pentacles. Okay, एक और बार Five of Pentacles. So एक बात तो बहुत clear है कि किसी तरीके की third party situation में आप लोग हैं, या फिर इस person को लगता है कि वो अब आपके लिए एक option ही बन गए हैं. ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं. इस पर्सन को ये लग रहा है कि वो आपके लिए कोई खास नहीं है एंड इस पर्सन को आजकल थोड़ा इग्नोर्ड भी महसूस होने लगा है. इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो कोई डे ड्रीमिंग कर रहे थे जब उन्होंने ये सोचा था कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में आएंगे, तो उन्होंने चीजों को ओवर एस्टिमेट कर लिया था, जो कि शायद आपने उन्हें कभी फ्रेंड से कुछ ज्यादा समझा ही नहीं. द लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ ये पर्सन बस खड़ा होकर इंतजार करता रहा अपनी जगह पे और धीरे धीरे रोशनी उनसे दूर हो गई एंड उन्हें लगता है जैसे कि आप अब अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, आप एक बेटर फ्यूचर खोज रहे हैं जो डेफिनेटली आप उनके साथ नहीं समझते. थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये जर्नी बहुत लंबी है और इस जर्नी को वो कम्प्लीट नहीं कर पाए सक्सेसफुली. ऑल्सो हो सकता है जैसे आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे इस दूरी ने इस रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया या इसके वजह से ही वो हमेशा हेजिटेट करते रहे. एंड ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस के बारे में नहीं है, दो डिफरेंट लोकेशन पे होने के बारे में नहीं है. यह हो सकता है उनके हेजिटेशन के बारे में भी, जिसके कारण आप दोनों के बीच एक दूरी बनी रही, जिसके कारण एक ऑब्स्टेकल हमेशा वहां मौजूद रहा और उसे वो क्रॉस नहीं कर पाए. और अब इस पर्सन को लग रहा है जैसे चीजें इनके हाथों से फिसल रही हैं. क्वीन ऑफ चैलेंजेस के साथ इस पर्सन को आपका प्यार याद है, इन्हें आपका प्यार चाहिए. ये पर्सन आपके प्यार से एडिक्टेड है. नेचर के कार्ड के साथ लगता है जैसे ये पर्सन लगातार सोच रहा है कि वो क्या कर सकते हैं आपका ध्यान खींचने के लिए. सो ये पर्सन कुछ ना कुछ करेगा जिससे कि आप उनकी तरफ ध्यान दें. इनकी कोशिशें जारी रहेगी आपके पास आने की. ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ओरेकल के. मैसेजेस फॉर जेमिनी. सेरेनोस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड. तो इस कार्ड के साथ ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है इस मंथ में. ये पर्सन इमोशनल लेवल पे तो आपसे कनेक्टेड है ही, बट ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहेगा, ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहेगा, बिकॉज आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी इस पर्सन को बहुत ज्यादा रिलीफ देती है और कॉन्फिडेंस देती है कि वो एक सेफ रिलेशनशिप में है. सो ये पर्सन हर लेवल पे आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है और इसी की वजह से ये पर्सन और ज्यादा रेस्टलेस है. ओके सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए मार्च में. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.